यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर और लाडपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। बता दें कि दबंगों ने कानून से बेखौफ होते हुए न केवल सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता से मारपीट की, बल्कि उसका रजिस्टर भी फाड़ दिया और साथ ही गल्ले में रखे 12,000 रुपए भी लेकर फरार हो गए। फिलहाल 100 नंबर पर फोन करने के बाद पुलिस मौके पर आई और जांच शुरू कर दी। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुरेश कुमार। किस पद पर कार्य करते हैं? ये मैं कमांडर पे हूँ यहाँ पे गाड़ी पे 100 नंबर पे, और ये 100 नंबर वहाँ पर फोन गया था कोटेदार का। कोटेदार ने बोला कि मुझे जो गाँव के कुछ लोग जो है मेरे यहाँ पर आया बट क्या नाम है मुझे मारपीट कर रहे हैं। अब आपने ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन हमें ये दिया कि हमारे साथ चले गाड़ी में बैठे और तेरी इधर थाने में जाए। हम यहाँ तो मौजूद है नहीं, वो मौजूद यहाँ पे है नहीं। अगर यहाँ मौजूद होते तो यहाँ मौजूद होते हम उनको ले के आते। ठीक है, क्या नाम है आपका? इरशाद हुसैन। क्या मामला हुआ यहाँ पे आज जो 100 नंबर आए हुए? मामला ये है कि तीन आदमी आए गल्ला लेने के लिए अपना, तो उसके एक का एक यूनिट आ रहा था, एक के तीन आ रहे थे और एक के चार आ रहे थे, तो मैं तो 5 किलो के हिसाब से दे रहा था। तीनों को तीनों ने एक एक बोरी उठा ली, दो ने उठाई एक ने नहीं उठाई, वो लेके चल पड़े तो एक की लेके गिरा ली मैंने, तो बस लिपट गई वो मार पीटने लगे। कौन लोग थे? वो था एक राशिद था बंदिया, तो इसके हामिद है, और ये दो भाई थे हाकम और रिफाकत रफीक के लड़के। क्या आपने किसी आला अधिकारी को सूचना दी इसकी? मैंने 100 नंबर को कॉल की। 100 नंबर ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोल रहे हैं कि वो थाने में जाकर एप्लीकेशन दो, तुम्हारा कोटे का मामला है, बाकी मेरे कोई बचाने वाला भी ना, मेरे बालक लिपट रहे तो उन्हें मार रहे। भाई यहाँ तो मेरे को कोई है नहीं, तो क्या तो भी हाथ सकते हैं।